हाई एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू आर चैनल सो आज हम ट्वेंटी ऑफ जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करते हैं ऑफ़ द इंडियन एक्सप्रेस एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ठीक है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है एंड टूडे इज संडे तो आज एडिटोरियल्स नहीं होते हैं बट स्टिल वी हैव लॉट टू कवर लॉट टू रिवाइज़ आप पूरा वीडियो जरूर देखें ओके मस्ट वॉच द एंटायर सेट्स के स्टार्टेड विद्यू सबसे पहले आज ट्वेंटी जून को एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है is, आज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ठीक है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन टुगेदर वी हील एंड लर्न एंड शाइन तो एक बार और देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर जाकर तो ये है only together can ओनली टूगैदर कैन बी एंड दिस पेंडेमिक कैन रिकवर ओनली टूगेदर कैन बी रिवाव आवर इकनॉमिकेन टुगेदर वी कैन ऑल गेट बैक टू द थिंग्स वी लव ट और गिवन द चान्स रिफ्यूजीज विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू स्ट्रांगर सेफर एंड मोर वाइब्रेंट वर्ल्ड और यूनाइट नेशन ह्यूमन राइट जो रिफ्यूजीज हैं ठीक है यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसीज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कैंपेन दिस इयर इज कॉलिंग फॉर द ग्रेटर इंक्लूजन ऑफ रिफ्यूजीज हेल्थ सिस्टम स्कूल स्पोर्ट एंड ओनली बाई वर्किंग टूगेदर कैन बी रिकवर द पैंडमिक तो ये इसकी थीम है ओके और आप भी इनकी वेबसाइट में जाके सब चीज़ें आप देख सकते हो जैसे डिफरेंट uh, टाइप के मतलब रिफ्यूजिज होते हैं हर बीस मिनट में ये बोला जाता है कि वॉर uh, से बचने के लिए जो टेरर से है उससे बचने के लिए बीस uh, लोग हर मिनट में अपना जो घर है देश है लैंड है वो छोड़ देते हैं और या फिर फोर्सफली वो डिसप्लेसड किए जाते हैं तो इनको रिफ्यूजीज़ भी बोल सकते हैं कुछ एजाइलम सीकरस इंटरनली डिसप्लेसड पर्सन आई डी पी स्टेटलेस पर्सन, रिटर्नीज़ ठीक है तो यू एन एक्शन की जो नाइनटीन फिफ्टी नाइन रिफ्यूजीज कन्वेंशन एंड इट्स नाइनटीन सिक्सटी सेवन प्रोटोकॉल ये भी था और इनको मोस्ट वॉलबल पीपल बोला जाता है रिफ्यूजीज़ को नाइनटीन फिफ्टी वन रिफ्यूजीज कन्वेशन एंड इट्स नाइनटीन सिक्सटी वन प्रोटोकॉल ठीक है तो ये प्रोटेक्ट करता है मेनली इनको और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है कन्वेंशन में ये सब देख सकते हो राइट टू हाउसिंग एजुकेशन एंड ऑल सो लेट्स सी अनदर न्यूज न्यूज़ ऑन ए ए या यहाँ की न्यूज़ एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पे है प्राइम मिनिस्टर टू चेयर अ मीटिंग ऑफ ऑल पोलिटिकल पार्टीज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ट्वेंटी फोर्थ ऑफ दिस मंथ सेवंथ इंटरनेशनल डे योगा टू बी सेलिब्रेटेड टू और आप प्लीज़ मुझे आप बताएं कि योगा डे की दो हज़ार इक्कीस की क्या थीम है मैंने बताई थी पहले भी बट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ओवर ट्वेंटी सेवन करोड़ सिक्सटी टू लाख डोजेस ऑफ कोविड एडमिनिस्टर्ड एंड uh, बाकी जो है यहाँ पे और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डी बी टी इश्यूज़ स्पेशल कॉल अंडर बायोटेक किसान स्कीम फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट और uh, जो ओम बिरला है लोकसभा के स्पीकर तो उन्होंने अपने दो साल कंप्लीट कर लिए ऑफिस के इब्राहिम रेसी सिक्योर्स लैंडस्लाइड विक्ट्री इन ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब हम सीधा न्यूज़पेपर देखते हैं मिल्खा सिंह के बारे में हमने ऑलरेडी देखा था वॉज क्रिमेटेड विद फुल स्टेट ऑनर्स ऑन सैटरडे इंडिया पाकिस्तान एन एस एस टू बी एट एस सी ओ मीटिंग अमिट फ्रेजाइल एल ओ सी पीस अफगान फ्लैक्स तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब से मतलब अभी पाकिस्तान ने डिसाइड किया था इंडिया पाकिस्तान ने कि जो सीज फायर पैक्ट है अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल तो वो एडहर करेंगे उस पर तो तब से अब से क्या मिलेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वहाँ पर मिलेंगे कहाँ पे एस सी ओ की मीटिंग होगी एन एस एस की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो ये दुशांबे मिलेंगे दुशांबे कहाँ की कैपिटल है ताजिकिस्तान ठीक है ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशांबे तो यहाँ पे ये सब लोग मिलेंगे एंड इन पर्सन मीटिंग ही होगी कोई भी वर्चुअल मीटिंग नहीं होगी ऑन जून ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर अनलाइक द पर्सनल मीटिंग ठीक है तो ये है काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है सॉरी uh, क्या हो रहा है ठीक है तो एक बार मैं आपको एस जो कंट्रीज़ हैं वो भी बता देती हूँ ठीक है और यहाँ पे मैंने लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से पता ही चल जाएगा कौन कौन सी कंट्री है जैसे इंडिया पाकिस्तान और लाइकली टू बी अटेंडेड बाय द अफगानिस्तान एन एस और जो अहमदुल्ला मोह है रशियन एन एस ए निकोलई एंड काउंटर वर्स चाइना कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजकिस्तान उज्बेकिस्तान ठीक है तो ये कंट्रीज़ हैं आप बताएँ कि नूर सुल्तान किसकी कैपिटल है इसमें से ठीक कमेंट करो अभी ये रहा मैप इंडिया ठीक है चाइना पाकिस्तान अफग़ानिस्तान तजकिस्तान उज्बेकिस्तान किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान तो एक आपसे ये गुजारिश है कि सबकी कैपिटल आप लिखें ठीक है और ये तुर्कमेनिस्तान नहीं है यहाँ पे ठीक है बट तुर्कमेनिस्तान ठीक है आज रहने दो तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल बट इन सब की बताना और नूर सुल्तान तो ज़रूर बताना कि किसकी कैपिटल है ठीक है तो ये है एस के बारे में थोड़ा ब्रीफली देख तो एस क्या है एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है पीस सिक्योरिटी और उस रीजन में स्टेबिलिटी को इंश्योर करना मेंटेन करना 2001 में ये क्रिएट हुआ था एंड वाइडली रिगार्डेड एज द अलायंस ऑफ द ईस्ट ठीक है तो कभी कभी इसको क्या बोला जाता है अलायंस ऑफ द ईस्ट भी इसको बोला जाता है एंड ड्यू टू इट्स ग्रोइंग सेंटिलिटी इन एशिया एंड पैसेफिकज़ बीन द प्राइमरी सिक्योरिटी पिलर ऑफ द रीजन लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यह वर्ल्ड का एंड इन टर्म्स ऑफ जोग्रफिकल कवरेज एंड पॉपुलेशन क्योंकि आपको है चाइना और इंडिया भी इसमें है थ्री फिफ्थ ऑफ द यूरोशियन कॉन्टीनेंट एंड नियरली हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन को कवर करता है मेंबर्स ऑलरेडी वी हैव कजाकिस्तान चाइना किर्गिस्तान रशिया तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान इंडिया पाकिस्तान ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं इसके मेनली ऑब्जर्वर स्टेट ही पूछा जाता है क्योंकि मैंबर्स सबको याद रहते हैं अफगानिस्तान बेलारूस इंडिया एंड मंगोलिया डायलॉग पार्टनर्स भी देख सकते हो अजरबैजान आर्मेनिया कम्बोडिया नेपाल टर्की एंड श्रीलंका ओके नेक्स्ट न्यूज़ घड़ियाल से रिलेटेड इट्स अ घड़ियाल आफ्टर फोर्टी फाइव ईयर्स ऑफ वेट उड़ीसा वेलकम्स फर्स्ट हैचलिंग्स ठीक है तो यहाँ पे क्या था नाइनटीन सेवेंटी फाइव में इंट्रोड्यूस किए गए थे घड़ियाल एंड उड़ीसा हैज़ सीन नेचुरल नेस्टिंग ऑफ घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है एज मैनी एज ट्वेंटी एट हैचलिंग्स स्पॉटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ मे इन महानदी ठीक है बाल मेरा आ, एरिया नियर सतकोसिया रेंज तो सतकोसिया रेंज में ये देखने को मिले थे और काफ़ी मतलब पहले भी इंट्रोड्यूस किए गए थे उड़ीसा में लेकिन वो डेड हो गए थे और मोर देन फोर्टी ईयर्स फॉर देर नंबर्स टू ग्रो नेचुरली एंड फॉर देम टू लेग्स तो यहाँ पे है घड़ियाल्स इन नाइनटीन सर्वटी फाइव उड़ीसा हैड बिकम द ओनली स्टेट टू हैव ऑल थ्री स्पीसीज ऑफ द रेफटाइल ठीक तो है एक फ्रेश वाटर घड़ियाल्स मगर्स एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स तो घड़ियाल्स फ्रेश वाटर्स में रहते हैं मगर कहाँ रहता है है ना तो ये ये भी मैं बताती हूँ आपको और दिखता कैसा है देखो घड़ियाल जो है ना, ना मतलब देखो मगर जो रहता है वो सॉल्ट वाटर एशचूरीज है ना या फिर आप आपके फ्रेश वाटर सॉल्ट कोस्ट लाइन यहाँ मेनली ज्यादा रहता है और जो आपके घरियाल होता है वो मेनली कहाँ रहता है फ्रेश uh, वाटर्स में है ना तो ये देखने को मिल रहा होगा अभी मैं क्लैरिटी आपको क्रोकोडाइल्स टेंड टू लिव इन सॉल्ट वाटर मगर कहाँ रहता है सॉल्ट वाटर हैबिटाट्स वाइल एलिगेटर्स हैंग आउट इन फ्रेश वाटर मार्शेस एंड लेक्स ठीक है तो ये है और ये एक डिफरेंस होता है घरियाल एलिगेटर और क्रोकोडाइल में ये देखने को मिल रहा होगा ये एक इसका लंबा सा ऐसा फेस है ठीक है लंबा सा ये मुंह है दे हैव लॉन्ग थिन स्नाउट एंड एट द एंड ऑफ बल्ब ये बल्ब टाइप इनके दिख रहा है ठीक है तो घड़ियाल आपको कभी भी कहीं जाओगे तो ये पहचान इसकी हो जाएगी इस तरीके से विच लुक लाइक द घड़ा और पॉट दैट इज़ वाई घड़ियाल ठीक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये ना मतलब ह्यूमन को आप इनके पास मुंह के पास जाके खेल भी सकते हो है ना तो ऐसा नहीं है लोग इनको गलती से मगरमत समझ के मार देते हैं ना तो घड़ियाल समटाइम्स कॉल्ड गवयाल्स आर अ टाइप ऑफ एशियन क्रॉकुडेलियन डिस्टिंग्विश बाय देयर लॉन्ग थिन स्नाउट्स नाउट्स विच रिसम्बल्स अ पॉट घरा इन हिंदी एंड सिग्निफिकेंस यही है कि गुड इंडिकेटर होते हैं क्लीन रिवर वाटर के और क्रोकोडाइलियंस के ही एक टाइप है ऑल्सो इनकलूड क्रॉकोडाइल सेलीगेटर्स कैमिन्स इंडिया हैज़ थ्री स्पीसीज है ना जो उड़ीसा में मैंने बताया था कि तीनों वहीं पाई जाती थी लेकिन अभी ऐसा नहीं है घड़ियाल जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में क्रिटिकली इंडेजर्ड इसको किया गया है और मगर क्रोकोडाइल को आई में वर्ल्ड किया गया आप इनके ये जो नेम है ये भी देख सकते हो ठीक है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को आई की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न ठीक है लीस्ट कंसर्न बोला गया है तो ये तीनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस भी मैंने बता दिया है इन कंपेरिजन टू क्रोकोडाइल आर वेरी शाए बहुत शाए तो ये होते हैं खुद ही शर्म आती है, रहती है इनको ये भाग जाते छुपते हैं अनहार्मफुल स्पीसीज हैं लेकिन ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से लगातार इनकी जो जनसंख्या वो घटती जा रही है ठीक है चंबल रिवर इनका प्राइमरी हैबिटार्ट है और बाकी चंबल जो है सिंगर चोरी पीक जो विंध्या माउंटेंस हैं इंदौर मध्य प्रदेश वहाँ से ऑरिजिनेट होती है और बाकी जो एटवा है डिस्ट्रिक्ट यूपी में वहाँ ये जॉइंट करती है ठीक है बाकी ये सब आप एडिशनल इन्फॉमेशन देख सकते हो इसकी ठीक तो है, 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 तो है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लिस्टेड अंडर स्कड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन और जो साइट्स की कन्वेंशन है उसके अपेंडिक्स वन पे है ठीक है तो क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं तो ये सैंड बैग्स प्रीफर करते हैं वाइल्ड एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन ऑफ्टन डिस्ट्रॉय क्स ठीक है वाइल्ड एनिमल्स भी इनके एक्स के पीछे पड़े होते हैं साथ में ह्यूमंस तो होते ही हैं तो ये है और यहां पे भी आपको न्यूज़पेपर में भी पढ़ने से ये पता चल जाएगा है ना ये देखो यहाँ पे घड़ियाल्स वर ग्रांटेड फुल प्रोटेक्शन अंडर नाइनटीन एंड लिस्टेड इन प्रोटेक्शन शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन ठीक है तो ये सब हो गए एक्सपर्ट्स कॉल फॉर कॉशन इन अनलॉक वन थर्ड वेव इन थ्री टू फोर मंथ्स थ्री टू फोर मंथ में मतलब दोबारा से थर्ड वेव आ सकती है तो लोग घूमने भी निकल गए हैं हिल स्टेशन पे हिमाचल प्रदेश और यहाँ नैनीताल उत्तराखंड में आ रहे हैं और सेफ्टी जो है मतलब वो अभी भी ध्यान रखना है सबने कि किस तरीके से यहाँ पे आना है आर टी पी सी आर रिपोर्ट एंड ऑल असम प्रपोजेस टू चाइल्ड नॉम टू अवेल ऑफ़ गवर्नमेंट स्कीम्स तो अब पॉपुलेशन पॉपुलेशन मतलब असम में क्या है जो यहाँ के कौन है सीएम असम के इनका नाम क्या है एक मिनट वो सर्वानंद सोनोवाल तो नहीं है ना चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा ठीक है जो अभी हुए थे चीफ मिनिस्टर हेमंता विश्व शर्मा सैट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन सैटरडे क्या बोला इन्होंने मतलब देखो यहाँ पे असम में पहले से ही क्या है पॉपुलेशन पॉलिसी है और 2019 में भी वो थी एंड बीजेपी गवर्नमेंट बैड दो विद मोर देन टू चिल्ड्रन मतलब जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी और जनवरी 2021 से ये इफेक्ट में आया है एंड द असम पंचायत अमेंडमेंट एक्ट भी है 2018 का ये भी उनको जो जिनके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे वो उनको अलाउ नहीं करता है टू कंटेस्ट देम पंचायत पोल्स ठीक है पंचायत पोल से एक्सक्लूड हो जाते हैं तो यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर हैं वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी इनका कर रहे हैं ये बोल रहे हैं क्योंकि आप ख़ुद तो पांच भाइयों वाली फैमिली से बिलोंग करते हो बट ये इनका ये कहना है कि नाइनटीन में हमारे पेरेंट्स ने क्या किया और दूसरों के पेरेंट्स ने क्या किया उस वो इट डजेंट मैटर अब जो है हमें वो करना पड़ेगा और पॉपुलेशन पॉवर्टी uh, जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बैलेंस बना के हमको रखना पड़ेगा तभी पॉवर्टी भी जा सकती है ठीक है तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इनका कहना था डी पी आई आई टी सेक्रेटरी गुरु प्रसाद मोहापात्रा डाइज ऑफ कोविड कॉम्प्लिकेशन ये डी पी पी आई टी के सेक्रेटरी थे इससे पहले ये चेयरमैन भी थे ए ए आई के दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अर्लियर बीन डेप्यूटेड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ठीक है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाइनटीन एटी सिक्स बैच के आई एस ऑफिसर ही वॉज अपॉइंटेड टू द डी पी आई टी इन टू थाउजेंड नाइनटीन डी डी के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो है ना इफ़ यू वॉन्ट यू कैन स्टडी अबाउट डी पी आई आई टी देन यहाँ पे तो सब ये पी दम्बरम जी के लिए रिजर्व आर्टिकल सेक्शन है तो यहाँ पर यह आता है कि आ, ये बोल रहे हैं कि जीएसटी के जितने भी की फीचर हैं वो काउंसिल के हैज़ ब्रोकन डाउन यहाँ पे कोई भी मतलब दो हजार सोलह से जब से इंसेप्शन हुआ है जीएसटी का कोई भी वाइस चेयरपर्सन नहीं था एंड जी एस टी काउंसिल डिड नॉट मीट सिक्स मंथ मतलब जो अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी था उस टाइम पे मिली नहीं एंड अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन इट हैज़ बीन स्टीलली एंड इफेक्टिवली साइडलाइन्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन जी एस टी इंप्लीमेंटेशन कमेटी ऑफ ऑफिसर्स है ना तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कही गई है प्रोटेस्ट इज नॉट टेररिज्म तो यू ए पी ए ही ये तस्लीन तवलीन सिंह जो है उनका ये आर्टिकल है और ये आ, मतलब अब जब से ये आ, ए, मतलब पता ही होगा आपको कि अब कौन सी आइडियोलॉजी में पहले क्या करती थी अभी क्या करती है और अभी मतलब इनका ये कहना है कि जो आ, यू अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है वो यूज़ नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स के अगेंस्ट मतलब वो जेल में क्योंकि यहाँ पे एक डिफाइन होनी चाहिए कि आपके लिए मतलब प्रोटेस्ट क्या है और टेररिस्ट टेररिज्म एक्टिविटी क्या है तो उनमें एक मतलब जेन्यून जो डिफरेंस है उसको ध्यान में रखते हुए ही एक्ट होना चाहिए ठीक है तो ये है देन हार्ड लाइनर्स रसीविंस रेसी प्रेजिडेंसी आई लो वोटर टर्न आउट और जुडिशरी के चीफ ये थे ठीक है जुडिशरी के चीफ हसन रूहानी एंड प्रेजिडेंट इब्राहिम रसिम इन तहरान ईरान में क्या है थ्यूरोसी है ठीक है थियोक्रेसी बाई अ शिया क्लर्जी बैकड बाय पार्लियामेंट्री फोर्सेज वाइल इट इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एलिमेंट्स तो यहाँ पे जो प्रेजिडेंट है पार्लियामेंट लोकल काउंसिल है ठीक है इनको लेस पावरफुल बोला जाता है और जो सुप्रीम लीडर है वो क्या नाम है उनका अयतुल्ला एयतुल्ला खामनी तो ये फाइनल इनके जितने भी मैटर होते हैं स्टेट या फिर ओवरसीज से रिलेटेड ईरान के डिफ़ेंस और एटॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड तो वो सुप्रीम लीडर ही रहते हैं दैट इज़ नोन एज अयतुल्ला अली खमनी ठीक है प्रेजिडेंट इलेक्टेड इब्राहिम राशि हैज़ लॉन्ग बीन टिप्ड एज नेचुरल सक्सेसर टू खमनी अलॉन्ग साइड दयुल्ला सॉन मुजतबा खमनी यू एन असम्बली कंडेम्स कू इन म्यांमार कॉल्स फॉर आम सिम्बागो तो यहाँ पे जो जुंटा है उन्होंने रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया है और ये बोला है कि ये अजम्पशन फॉल्स अजम्पशन पे बेस्ड थे आपके जितने भी तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फ्राइडे को क्रिटिसाइज़ uh, किया म्यांमार के जो रूलिंग जनरल्स हैं उनको कि आप ये क्या करो जो भी आपने सिविलियन लीडर्स को इतने टाइम से इम्प्रजेंट किया हुआ है उनको आप फ्री करो और अपोनेंट्स को जान से मानना मतलब ये सब भी बंद करो है ना तो ये ही जो म्यांमार की फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने रेजोल्यूशन को रिजेक्ट किया और डिस्क्राइब किया कि इट इज़ बेस्ड ऑन वन साइड स्विपिंग एलिगेशन एंड फॉल्स फॉल्सिजमशन इंडिया ने इस चीज़ से एब्सटेन किया अपने को इंडिया के जो यहाँ पे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यू में टी एस त्रिमूर्ति तो इनका ये कहना था कि ये हैस्टी मैनर में पास कर लिया बिना किसी कंसल्टेशन के विद नेबर्स एंड रीजनल कंट्री दिस इज़ नॉट इथियोपिया prepares फॉर एन इलेक्शन ठीक है इथियोपिया की हमने बार बार लोकेशन देखी है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऐबी अहमद एडिस अबेबा यहाँ की क्या कैपिटल है एबी अहमद को आपको पता होगा नोबल पीस प्राइज भी दिया गया था है, ना बाकी यहाँ पे स्टोरीज हैं जो आपको देखनी हो तो देख सकते अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में हमने तीन चार बार पढ़ा तो एक बार देख लेते हैं इनको अपॉइंटेड किया है एंटोनियो गुत्रस को नाइन्थ यू सेक्रेटरी जनरल फॉर अ सेकेंड टर्म ठीक है फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी से और थर्टी जनवरी ट्वेंटी सिक्स तक ये रहेंगे इंडिया हैड एक्सप्रेस एड सपोर्ट फॉर द रिलेक्शन ऑफ गुटरेस एज यू एन चीफ एंटोनियो गुटरेस की बात करें तो इन्होंने ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्तुगाल ठीक है पोर्चुगल का ये आ, ये क्या थे फॉर्मर प्रेजिडेंट थे एंड यू एन के चार्टर में सेक्रटरी जनरल अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन मतलब रिकमेंडेशन कौन करेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ठीक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड उनकी उनके ही रिकमेंडेशन uh, पे ये अपॉइंट किए जाएंगे यूएन का चार्टर जो है uh, ये क्या है फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है ऑफ़ द यूनाइटेड नेशन इट्स वॉज साइंड इन 26 जून 1945 ठीक है तो 26 जून 1925 को सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ था एंड यूएन कैन टेक एक्शन ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ इशू यूनिक इंटरनेशनल कैरेक्टर मतलब ये इनको है अथॉरिटी ये ले सकते हैं डिसीजन उनगा के बारे में बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तो ये क्या है पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की कंपोज ऑफ ऑल 193 मेंबर्स थ्री मेम्बर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इट प्रोवाइड्स यूनिक फोरम फॉर मल्टीलेटरल डिस्कशन ठीक है तो ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस्टेब्लिश बाई द यू एन चार्टर इन नाइनटीन फोर्टी फाइव नाइनटीन फोर्टी फाइव में ये यू एन एस सी जो थी स्टार्ट हुई थी मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इसके पंद्रह मेंबर है जो हमको ऑलरेडी पता है कि फाइव परमानेंट मेंबर कहाँ के हैं मतलब स्थाई सदस्य जिनको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट रशिया फेडरेशन फ्रांस चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम और जो अस्थाई सदस्य होते हैं हर दो साल के लिए वो अपॉइंट होते हैं इंडिया हैज़ बिन इलेक्टेड ठीक है elected, तो ये एक मेन बात थी चैलेंजेस हमको पता है यूनाइटेड नेशन के और 193 मेंबर्स हैं इंडिया क्या है एज़ अ चार्टर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन और ये सब इसके ऑर्गन है जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ट्रस्टीशिप काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन एन सेक्रेट्रिएट ठीक है तो ये और बाकी ये फंड्स और इसके प्रोग्राम है यूएन यूनिसेफ यूएनडीपी यूनाइटेड एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएन एन हैबिटाट डब्ल्यू दैट इज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ओके okay. और नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये देख लेते हैं हाउ आर पोल रिजल्ट चैलेंज ठीक है एंड व्हेन कोर्ट्स हैव सेट देम असाइड तो ये इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल था एक्सप्लेन सेक्शन का तो यहाँ पे ये क्या हुआ था कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी उन्होंने एक इलेक्शन पिटिशन फाइल की थी कैलका हाई कोर्ट में चैलेंजिंग द असेंबली इलेक्शन रिजल्ट ऑफ नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूंसी जो नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शन हुए थे तो उनको चैलेंज किया है इन्होंने ये बोला कि यहाँ पर मतलब करप्शन uh, प्रैक्टिस uh, और कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं क्योंकि सुविन्दु अधिकारी यहाँ से डिक्लेयर हुए थे ना तो इनको वॉइड जाना चाहिए और काउंटिंग uh, प्रोसीजर जो कंडक्ट किया था आर के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा तो यहाँ पे इस वजह से इन्होंने अब ये इलेक्शन पिटिशन होती क्या है ये एक मात्र ऐसी लीगल रेमेडी होती है जो वोटर के लिए अवेलेबल होती है और कैंडिडेट हु बिलीव्स देयर हैज बीन मैल प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन कि जिसको ऐसा लगता है कि इलेक्शन में कुछ खामियां हुई हैं और यहाँ पे हमको इसके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए पिटीशन फाइल करनी चाहिए तो दैट इज नोन एज इलेक्शन पिटिशन पोस्ट रिजल्ट के बाद होती है सबमिटेड ये जो वहाँ की जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वहाँ के हाई कोर्ट में ही ये जो लोकेटेड है वहीं सबमिट की जाती है एंड ये फोर्टी फाइव डेज के अंतर्गत फ़ाइल की जानी चाहिए ठीक है डेट ऑफ द पोल रिजल्ट नथिंग इज़ एंटरटेंड बाई कोर्ट्स आफ्टर इसके बाद नहीं हो सकता यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन जो है ये सजेस्ट करता है हाई कोर्ट को

Detailed list of what amounts of corrupt practices include bribery, use of force, of coercion, appeal to vote, or refrain from voting on grounds on the religion, race, community, and language. The non-compliances and malpractices. So, what happen if the court finds that a contention of मेल प्रैक्टिस करेक्ट ठीक है तो क्या होता है वर्डिक्ट देता है इलेक्शन पिटिशन पर और अगर पिटिशनर के फेवर में ये होती है तो वो क्या कर सकते हैं फिर फ्रेश इलेक्शन भी अनाउंस कर सकते हैं या फिर न्यू विनर भी अनाउंस कर सकता है कोर्ट ठीक है तो ऐसे पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे अलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फेमस वर्डिक्ट था नाइनटीन सेवेंटी फाइव का तो यहाँ पर इंदिरा गांधी के इलेक्शन को जो रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी से हुए थे तो वो असाइड कर दिया गया था ठीक है ऑन द ग्राउंडस ऑफ करप्ट प्रटिसज अनदर हाई प्रोफाइल वॉज दैट ऑफ कांग्रेस लीडर सीपी जोशी तो ये राजस्थान असेंबली से फिर ये हार गए थे बाय वन वोट 2008 में प्रोविजन अंडर आरपी एक्ट 1951 ठीक है तो ये इसके बारे में अगर बात करें तो ये रेगुलेट करता है जो एक्चुअल कंडक्ट होता है इलेक्शन का और बाय इलेक्शन का और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी प्रोवाइड करता है कंडक्टिंग इलेक्शन और ये पोलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन से भी डील करता है वन ऑफ आर एक्ट हमने देख लिया कि क्या है इसमें देन यहाँ है वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स ठीक है तो किसके द्वारा निकाली जाती है वर्ल्ड कॉम्पिटिव ईयर बुक जो रिलीज़ की गई है कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिपोर्ट ये है कॉम्पिटेटिनेस ऑफ कंट्रीज़ के ये कंपाइल की जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ठीक है इंडिया की जो रैंक है फोर्टी थर्ड है फोर्टी थर्ड रैंक किसकी है इंडिया की ओके okay, और ये इसने एग्जामिन किया कियापैक्ट ऑफ कोविड नाइन्टीन ऑन इकनमीज अराउंड द वर्ल्ड दिस ईयर और मेनली जो कम्पिटिटिव के क्राइटेरिया है वो ये हैं थ्री हंड्रेड थर्टी फोर कॉम्पिटेटिव क्राइटेरिया जो मेन प्रॉस्पेरिटी ऑफ कम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखी जाती है गवर्नमेंट इफिशियंसी बिजनेस इफिशियंसी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है और टॉप कंट्रीज में स्विट्जरलैंड दूसरी पे स्वीडन थर्ड पे डेनमार्क चौथी पे नदरलैंड एशियन इकोनॉमीज में सिंगापुर फिफ्थ हॉन्गकॉन्ग सेवन ताइवान एट एंड चाइना सिक्सटीन इंडिया की परफॉर्मेंस जो है मेंटेन की है हमने पास्ट थ्री इयर्स एंड दिस ईयर हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है गवर्नमेंट एफिशेंसी पे ठीक है इंडिया परफॉर्म बेटर इन इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम्स एंड मोबाइल फॉम मोबाइल फ़ोन कॉस्ट तो आई थिंक ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था बाकी हम क्या कर रहे हैं अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए पी एल आई स्कीम का इंट्रोड्यूस uh, हमने किया था इंट्रोडक्शन फाइव पिलर ऑफ़ आत्मनिर्भर भारत अभियान इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड डिमांड ठीक है तो ये भी है नेशनल कॉम्प्लेक्स uh, तो लोथल गुजरात में बनेगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉपरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एंड लोथल गुजरात लोथल के बारे में बात करें तो एक प्रोमिनंट सिटीज़ में ये आता है एंशंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की एंड द सिटीज़ टू डिसाइड दैट विल यू थ्योरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात डॉकर्ड हेज बी फाउंड एंड शिप्स केम इन फ्रॉम द्री सी एंड थ्रू द रिवर ठीक है तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा विच ऑफ दस वेरी बताएं कमेंट सेक्शन में लोथर हरप्पन मोहनजोदारो एंड धोलावीरा नेक्स्ट न्यूज है कुछ मिसीलनियस न्यूज़ हैं ठीक है जून टींथ एंड सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट न्यू एटलस तो ये न्यू एटलस ये डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है और जून टीथ जो होता है ये यू एस गवर्नमेंट ने रिकगनाइज़ किया था इसको नाइनटीन जून को एज अ फेडरल हॉलीडे और यहाँ पे ओल्डेस्ट नेशनली सेलिब्रेटेड कॉमोमेसन होता है कि यू में जो स्लेवरी थी उसका एंड होना ठीक है नाइनटीन ऑफ जून को ऑब्जर्व किया जाता है इसको इमेंसिपेशन डे भी बोला जाता है और मेजर जनरल जो गॉर्डन ग्रैंगर थे ये ग्लैवस्टोन टेक्सास में ये आए थे इन्होंने ही अनाउंस किया था. सिविल वॉर और स्लेवरी का क्या हो चुका है एंड हो चुका है 1865 सिक्सटी ऑफ जून को तब से ये एक सिंबॉलिक डेट बन गई थी रिप्रेजेंटेटिव फ्रीडम फॉर अफ्रीकन अमेरिकन केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है एक ये फ्लैगशिप सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है जिसका एम है रिड्यूस करना किसको ट्रेवल टाइम को बिटवीन स्टेट्स नार्दर्न एंड सदर्न एंड ठीक है इट लिंक्स केरला सदर एंड एंड द स्टेट कैपिटल तिरुवंतपुरम इट्स नार्दन एंड ऑफ कासार गोड लाइन जो है प्रपोज की गई है फाइव ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर फाइव किलोमीटर इलेवन डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगी है और एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जा रहा है के आर डी सी एल के द्वारा केरला रेल डेवलपमेंट कारपोरेशन ठीक है तो ये यह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इन डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया जो पब्लिश की गई है किसके द्वारा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद ठीक है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद ने ये की है और किस दिन की थी ऑकीजन ऑफ वर्ल्ड डे टू कम बैक डिजर्टिफिकेशन डॉट जो कब मनाया जाता है सेवनटीथ ऑफ जून को थीम दो हज़ार एक की इक्कीस की क्या थी रिस्टोरेशन एंड लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्टी लैंड चाइना का सेंजियो ट्वेल्व मैं मिशन है रिसेंटली चाइनीज इस्पेस शिप जो है ट्वेल्व ट तो था और चाइना ऐसी थर्ड कंट्री है आफ्टर फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड यूएसए टू कैरी आउट मिशन जो अपने खुद का एक मैन मिशन मतलब स्पेस में ले जा रही है और काफी अपने को यह स्पेस में भी डॉमिनेट करना चाहते हैं इंडियन सर्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस प्लस स्कीम तो ये लॉन्च की गई है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा और अपग्रेडेड आई स्कीम है और ये सर्टिफिकेशन देती है मेडिकल डिवाइसेस को 2016 से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात की जा रही है और यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए हमारी तीनों सर्विसेज के लिए जोग्राफिकल एरियाज़ दैट आर स्ट्रेटजिक जो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए स्ट्रैटेजिक हैं और सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं ठीक है थीके? तो आर्मी की इंडियन एयरफोर्स की एंड नेवी uh, की तो यहाँ पे इफिकेसी इफ़ेक्टिव मैनर में काम हो तो इसके लिए क्या बोला गया था कि तीन uh, तरह की होनी चाहिए एक वेस्टर्न वेस्टर्न कहाँ के लिए जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ के लिए वेस्टर्न कमांड होनी चाहिए ठीक uh, है पाकिस्तान देन ईस्टर्न जो नॉर्दर्न बॉर्डर है नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए चाइना बॉर्डर के लिए नॉर्दर्न कमांड ठीक है चाइना बॉर्डर के लिए एंड सदन जो होनी चाहिए मैरीटाइम रोल मतलब मैरीटाइम के लिए सदन तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिकेतकर कमेटी के बारे में आपको पता होगा ये भी गठित तो हुई थी 2015 में इन्होंने ही रिकमेंड किया था कि थ्री इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होनी चाहिए ठीक है ये वाली अगर ये आ जाता है चिल्ड्रन एंड डिजिटल साइट्स रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है तो ये डब्ल्यू के द्वारा रिलीज़ की जाती है ठीक है यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ बाय डब्ल्यू ताकि आपको ये याद रहे डब्ल्यू ठीक है तो, क्या है रिपोर्ट का नाम चिल्ड्रन एंड डिजिटल साइट्स तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 18 मिलियन से ज़्यादा चिल्ड्रन एडोलेसेंट जो होते हैं वो ई वेस्ट साइट पर काम कर रहे हैं मिडिल और लो इनकम जो कंट्रीज हैं वहाँ पर और इनके सीवियर हेल्थ हेज़र्ट इनको हो सकते हैं इससे क्योंकि यहाँ पर क्या है ये डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ई e वेस्ट जो होते हैं ये डम्प किए जाते हैं हाई इनकम कंट्रीज से और कंसर्न ये है कि वन थाउजेंड प्रीसियस मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड कॉपर मर्करियन पॉलिक्सिलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और ये काफ़ी एक कंसर्न uh, है ई कॉन्स्टिट्यूट ई वेस्ट में क्या होता है ई वेस्ट इज अ शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ओल्ड एंड ऑफ लाइफ डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज और इसमें कंपोनेंट्स होते, होते हैं कंज्यूमेबल पार्ट एंड स्पेयर्स होते हैं ठीक है तो ये है एक इम्पॉर्टेंट अभी यहाँ पे फ्लैग सत्याग्रह न्यूज़ में था एट्टीन ऑफ जून को जो हमारे संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम टू ऑब्जर्व द फ्लैग सत्याग्रह इन जबलपुर मध्य प्रदेश फ्लैग सत्याग्रह था क्या ये सत्याग्रह था जो फ्रीडम फाइटर्स ने स्टार्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट और एक तरीके से जो हमारा आंदोलन था फ्रीडम के लिए स्वतंत्रता के लिए तो उसमें इसने एक नई जान एक भर दी थी और इसको झंडा सत्याग्रह भी बोलते हैं नागपुर 1923 और जबलपुर में ये स्टार्ट हुआ था उसके बाद पूरी कंट्री में ये सेलिब्रेट किया जाने लगा इट इज़ कैंपेन ऑफ पीसफुल डिसबिडेंस मतलब आपने डिसबिडेंस सुना होगा लेकिन ये क्या था एक पीसफुल डिसबिडेंस था ऑन फोकस्ड ऑन एक्सरसाइजिंग द राइट एंड फ्रीडम टू हॉस्ट द नेशनलिस्ट फ्लैग एंड चैलेंज द में है ना ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ ये था काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जमनालाल बजाज चक्रवर्ती राजगोपालचारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विनोबा भावे तो ये सब ने भी आ, रिवोल्ट जो थे ऑर्गेनाइज किए थे और हज़ारों की संख्या में जो लोग थे उन्होंने ट्रैवल किया था नागपुर को और अदर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसिब्लिन ठीक है महात्मा गांधी जी को भी यहाँ पे जेल में भेजा था उस टाइम पर अरे, अरेस्ट किया था तो बाद में फाइनली अग्रीड हो गए थे जो ब्रिटिश थे उन्होंने जेल से मतलब हमारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको भी छोड़ दिया था गल्फ ऑफ एडन वॉज इन न्यूज़ तो यहाँ पे मेड इन इंडियन नेवी एंड यूरोपियन नेवल फोर्स यूनो ई यू नेव फोर ठीक है एक्सरसाइज वॉज हेल्ड ऑफ इन गल गल्फ ऑफ एडन तो इसको क्या बोल जा बोला जाता है गल्फ ऑफ एडन को गल्फ ऑफ बेरोवेरा और ये डीप वाटर गल्फ है बिटवीन यमन टू द नॉर्थ एंड अरेबियन सी टू द ईस्ट जिबूटी टू द वेस्ट एंड ग्रॉड फाई चैनल्स सिक्रोता स्कोरता या फिर स्कोड़ता यमन बोलते हैं ना एंड सोमालिया टू द साउथ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है एक बार मैप में जरूर देखो इसके बारे में आप बता सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ठीक है इंडिया फ्रांस इंडिया चाइना इंडिया यूएस ए इंडिया रशिया तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है न? आप ज़रूर बताएं कुछ इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में आपको एक बार रिवाइज आप कर लो ठीक है जैसे गल्फ ऑफ एडन में ये है है ना यहाँ पे ये दिख गया ना गल्फ ऑफ एडन ये मैप देखना जरूरी है तो इटली स्पेन एंड फ्रांस के भी लोग थे इसमें इंडियन नेवी के साथ साथ नेवल एक्सरसाइज इंक्लूडेड एडवांस एयर डिफेंस एंड एंटी सबमरीन एक्सरसाइज और यहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन नेवी काउंटर पायरेसी ऑपरेशंस के लिए है प्रोटेक्शन ऑफ वेसल डिप्लॉयड अंडर चार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और शेड भी ये है रेगुलर इंट्रैक्शन थ्रू शेड क्या है शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी मीटिंग हेल्ड एनुअली इन बहरीन ठीक है इंटरनेशनल ऑपरेशन काउंटर पायरेसी प्लेटफॉर्म है ये कन्वेंड इन बहरीन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है कुछ जो मेजर एक्सरसाइज हैं जैसे मिलिट्री डोमे डोमेस्टिक कुछ एक्सरसाइज होती हैं है ना कुछ बाइलेट्रल होती है मल्टीलेट्रल होती है तो डोमेस्टिक में जैसे ये है गांधी विजय पश्चिम लहर वायु शक्ति विजय प्रहर बायलेट्रल में ये सारी होगी संप्रीति इंडिया बांग्लादेश के बीच में मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका मैत्री एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड के बीच में वज्र प्रहार इंडिया यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस धर्म गार्जियन इंडिया जापान सूर्य किरण इंडिया नेपाल हैंड इन हैंड इंडिया चाइना मल्टीलेट्रल की बात करें तो रिमपैक होती है ट्वेंटी सिक्स कंट्रीज़ होती है मालाबार में थ्री कोबरा गोल्ड में एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ होती है संवेदना में नॉर्थ जो साउथ एशियन रीजन नेशन है वो होते हैं बाकी ये कुछ एक्सरसाइज के नेम है जो मिलिट्री ऑफ इंडिया और अदर नेशन के साथ होती हैं ठीक है अलनागा तो ये सब एक बार आप ज़रूर इनको देखिए है ना और अलग से इसमें अगर वीडियो बनाना है तो मैं बता सकती हूँ इसमें सो so, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में भी याद रखना जून इलेवन एटीन नाइन्टी सेवन को इनका जन्म हुआ था नॉन स्क्रिप्ट विलेज इन उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट एंड ये एसोसिएट थे आर्य समाज से अर्ली एज से ही और बाकी आ, ही पब्लिश्ड अ पैम्पलेट टाइटल देशवासियों के नाम ठीक है और मणिपुर की प्रतिज्ञा सॉरी मैनपुरी की प्रतिज्ञा ऑन जनवरी ट्वेंटी एट इसके अलावा ये जो इवेंट्स थे इनसे एसोसिएटेड थे मैनपुरी कॉन्स्परेंसी नाइनटीन एटीन और अगस्त नाइन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव को राम uh, प्रसाद बिस्मिल अलॉन्ग विद कंपेनियंस अशफाक उल्ला खां एंड अदर्स एग्जीक्यूटेड द प्लान ऑफ लूटिंग द ट्रेन एट काकोरी नियर लखनऊ ठीक है तो अगस्त नाइन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव को ये स्टार्ट हुआ था और ही वॉज हैंगड इन द गोरखपुर जेल ऑन दिसंबर नाइनटीन नाइनटीन ट्वेंटी सेवन और राप्ती रिवर में क्रमेट किया गया था दिस साइट लेटर बिकम टू बी नोन एज राजघाट ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई uh, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू हैव अ नाइस नाइस संडे अहेड